नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस पर। दोस्तों एक शानदार वैकेंसी है, सशस्त्र सीमा पुलिस बल SSV हेड कांस्टेबल। आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। आइए इस भर्ती के बारे में फुल जानकारी ले लेते हैं। क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहेगी, आयु सीमा, एग्जाम्स पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी वगैरह, तो ऐसे और जेड तक सारी बातें करेंगे। बस लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। अभी से क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ध्यान दीजिए, बात कर रहा हूं दोस्तों सशस्त्र सीमा बल SCM, जिसे हम SSV के थ्रू हेड कांस्टेबल कह सकते हैं। वैकेंसी 2023, यानी कि हेड कांस्टेबल का पद रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात की जाएगी टोटल वैकेंसीज की, तो टोटल पोस्ट इसमें आई है 914। फॉर्म की अप्लाई डेट ऑनलाइन तरीके से आप फॉर्म अप्लाई करोगे। अभी जो है फॉर्म चालू नहीं है, लेकिन 2-4 दिन में आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, मई के अंदर अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन फी इसमें 100 रुपये लगेगी। बाकी एज लिमिट एस ऑन, आपकी एज काउंट की जाएगी अप्लाई की लास्ट डेट के अनुसार, ठीक है। जैसे आपके अप्लाई फॉर्म शुरू होगा, उसकी लास्ट डेट जो रहेगी उसी से आपकी एज काउंट की जाएगी। ट्रेड वाइज वैकेंसी की जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। इसमें विभिन्न प्रकार की वैकेंसियां है, होने को तो हेड कांस्टेबल का पद है, लेकिन अलग अलग प्रकार से है। जैसे आप देखिए, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन 578, सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां से है। 18 वर्ष से 25 वर्ष एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन अभी बताऊंगा। हेड कांस्टेबल मैकेनिकल, इसकी 296 वैकेंसीज है, 21 से 27 वर्ष आयु सीमा है। नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल वेटनरी, तो वेटनरी की भी इसमें वैकेंसी है, 23, 18 से 25 वर्ष एज लिमिट है। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन 15 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल स्टोर वाली है 2 वैकेंसी। दोस्तों इसमें आयु सीमा में भी छूट है, तो आयु सीमा में छूट कुछ इस प्रकार है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, SC ST PH को 5 वर्ष की छूट दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको जो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वाला पद दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे अधिक वैकेंसी है 578, 12वीं अगर आपने कर रखी है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाकी आपकी ये मैकेनिकल, वेटनरी, इलेक्ट्रिशियन, स्टोर वाली आप खुद जानते हो, नाम से ही मालूम चल रहा है, ITI वगैरह कोई आपने वेटनरी कोर्स वगैरह कर रखा है तो वो आपके लिए बेहतरीन चांस है, ठीक है। और नोटिफिकेशन डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप देख लेना। नहीं समझ में आए तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले दोस्तों इसमें फिजिकल होता है, फिजिकल की जानकारी अभी लेंगे। परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट में टाइपिंग होनी है। नेक्स्ट आपका मेडिकल हो जाने के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट निकल कर आ जाएगी। ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों एग्जाम सिलेबस की, तो एग्जाम सिलेबस में 100 क्वेश्चन आएंगे इस बार और 100 मार्क के रहेंगे। 2 घंटे का परीक्षा का टाइम रहेगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यही है। बिना नेगेटिव वाली जो है एग्जाम्स है, रीजनिंग के 25 प्रश्न, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन, हिंदी एंड इंग्लिश 25 क्वेश्चन इनसे आएंगे, ठीक है, वो आपके अनुसार रहेगी। सैलरी की बात करूं दोस्तों हेड कांस्टेबल की, तो इसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। शुरुआत सैलरी बताऊं तो 30,000+ रहने वाली है। इसके अलावा अलाउंसेज रहते हैं, सेंट्रल की नौकरी है, जिंदगी बन जाती है, इससे अधिक आपकी सैलरी पहुंच जाती है। नेक्स्ट बात करूं दोस्तों स्किल टेस्ट, स्किल में आपका टाइपिंग होगा। इंग्लिश में टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड रहेगी, हिंदी में करना चाहो तो 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग रहेगी। ये आपका स्किल टेस्ट हो जाए। फिजिकल की जानकारी लेते हैं, हाइट इसमें देखिए, पुरुष अभ्यर्थी 165 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी 155 सेंटीमीटर। अगर आप SC ST के पुरुष हो तो 169.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और ST SC की महिला है तो आपको 150 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, बस आपकी ये लंबाई रहेगी। चेस्ट अगर देखा जाए, सीना केवल पुरुषों का मापा जाएगा, जनरल के लिए 77 तो नॉर्मली, और 5 सेंटीमीटर फैलाव का चाहिए। ST के अभ्यर्थी हो तो 76 नॉर्मल सीना और 5 सेंटीमीटर फैलाव पर है, ठीक है। दौड़ रनिंग भी इसमें होगी, 1600 मीटर तो पुरुषों को दौड़ लगानी है, इजी है क्योंकि टाइम बहुत है, 6.5 मिनट, ठीक है। महिलाओं को 800 मीटर की दौड़ लगानी है, 4 मिनट का समय दिया जाएगा, आसानी से कर जाओगे, ठीक है। ये आपकी दोस्तों इस भर्ती की प्रक्रिया रहेगी। अब बात आती है दोस्तों कि इससे पहले जब वैकेंसी आई उसका क्या कुछ कट ऑफ रहा, उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं। तो ध्यान दीजिए,
पुराना कट ऑफ अगर देखा जाए 2018 की वैकेंसी का, जनरल के 54 क्वेश्चन आ गए थे ना आपके रिटन एग्जाम्स में, तो पास था। उस बार डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर भी था, लेकिन इस बार डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर नहीं है। तो 54 एग्जाम्स में 56 डिस्क्रिप्टिव टाइप में, 110 पर सिलेक्शन, ओबीसी 56+50 106 पर, एससी 56+41 103 और एसटी 40+50 96 पर सिलेक्शन हो चुका था, क्योंकि यहां 100 अंक की रिटन एग्जाम्स थी और 100 का डिस्क्रिप्टिव था, ठीक है। तो 200 अंक से आपकी मेरिट बनी थी, लेकिन इस बार 100 अंक से आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इस बार हटा दिया गया है, आपका केवल ये रिटन एग्जाम्स होगी। यह है दोस्तों एसएससी हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2023, सशस्त्र सीमा बल आप इसे कह सकते हो, अच्छी नौकरी है दोस्तों, ठीक है। तो चूकना किस बात का, मैं तो कहता हूं हर एग्जाम्स का फॉर्म अप्लाई कीजिए। बाकी अभिषेक क्लासेस सरकारी नौकरियों की अपडेट के लिए पल पल की लिए जाना जाता है, यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले उपलब्ध है। आप इसको शेयर किया करिए, क्योंकि आपके दोस्त को कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। आप फॉर्म ना भर सको तो कम से कम शेयर करने से आपके छोटे बड़े भाई का फायदा हो जाएगा, इसलिए ऐसे नोटिफिकेशन को पढ़ना शुरू कीजिए। नोटिफिकेशन एक बार देखिए, ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन हो सकता है जो आपकी किस्मत खोल सकता है, जो आपकी कहीं ना कहीं जिंदगी बना सकता है, इसलिए वीडियो को एक बार विजिट तो कीजिएगा ही, ठीक है। अब जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा इसका नोटिफिकेशन, वहां से और अच्छे से आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।